हे एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम और मटर की एक बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन की डिश। मैं इसे अलग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मशरूम का स्लाइटली अर्थी टेस्ट और मटर का मीठा टेस्ट इस डिश को बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। मैंने मशरूम की एक और रेसिपी शेयर की अपने चैनल फूड अपबीट्स पर, तो अगर आप मशरूम लवर हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए बनाते हैं मशरूम मटर मसाला की रेसिपी। देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मशरूम 200 ग्राम, मटर 1 कप, प्याज 1 मीडियम साइज का, टमाटर 2 मीडियम साइज का, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च 2 कटी हुई, रिफाइंड तेल 3 टेबलस्पून, मक्खन 5 से 6 टेबलस्पून, खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है तेज पत्ता 1, दालचीनी 1, बड़ी इलायची 1, हरी इलायची 2, जीरा 1 और आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 और आधा टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, नमक एज पर द टेस्ट, दही 2 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून और धनिया के पत्ते गार्निश के लिए। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून बटर। फ्लेम को लो ही रखें क्योंकि हाई फ्लेम पर बटर जल्दी जल जाती है। बटर जब अच्छे से गर्म होकर मेल्ट हो जाए तो हमें डालना है कटे हुए मशरूम। मशरूम मैंने यहाँ 200 ग्राम लिया है और पहले ही इसे अच्छे से वॉश कर मीडियम साइज के मशरूम को बीच से 2 पार्ट्स में कट कर लिया था और बड़े साइज के मशरूम को मैंने 4 पार्ट्स में कट कर लिया था। मशरूम को बटर के साथ मीडियम हाई फ्लेम पर सॉटे करें लगभग 2 मिनट के लिए। मशरूम में हल्का लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो अब इसमें डालेंगे मटर जो मैंने लिया है 1 कप के करीब। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर का यूज किया है, आप फ्रेश मटर यूज कर सकते हैं, बट अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो मटर का कुकिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो 2 से 3 मिनट ही ऑयल में इसे भुने और अगर फ्रेश मटर ले रहे हैं तो 4 से 5 मिनट इसे भुने। तो अब लगभग ये हाफ कुक हो चुके हैं और तेल भी छोड़ चुके हैं, तो फ्लेम ऑफ कर ले। और अब इसके लिए प्याज और टमाटर का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल और तेल के अच्छे से गर्म होने पर सबसे पहले डालेंगे सारे खड़े गर्म मसाले जिसमें मैंने लिया है 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और जीरा 1 और आधा टीस्पून। फ्लेम को मीडियम पे रखें और इसमें डालें कटी हुई 2 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 1 का कलर थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तो डालें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। आप अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह 1.5 से 2 इंच अदरक और 15 से 20 लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। 1 मिनट सॉटे करने के बाद डालें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर भी अच्छे से भुन ले। 1 मिनट इसे भी प्याज के साथ भुनने के बाद गैस का फ्लेम लो कर ले और डालें 2 टेबलस्पून दही। इसे अच्छे से मिला ले और डालें 1/2 कप के करीब पानी और 1 बॉईल आने पर गैस ऑफ कर ले। पेस्ट बनाने के पहले इसे ठंडा कर ले। जो भी खड़े गरम मसाले हैं उसे निकाल ले और ग्राइंडर के जार में निकाल कर इसका स्मूथ पेस्ट बना ले। अगर आपको पेस्ट की कंसिस्टेंसी थिक लगे तो थोड़ा पानी ऐड करके इसे डाइल्यूट कर ले। पेस्ट हमारा मशरूम और मटर में डालने के लिए रेडी है, तो चलिए गैस ऑन कर ले और मशरूम मटर में डालें ये पेस्ट और 2 से 3 मिनट के लिए प्याज टमाटर के पेस्ट को भून ले। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे ही रखें, फिर इसमें डालें स्वाद के अनुसार नमक
हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक और आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर इन सभी मसाले को 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लें। 1 से 2 मिनट भुनने के बाद डालेंगे 1 कप पानी और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटा लें और डालें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और लास्ट में चॉप्ड धनिया के पत्ते डालकर गार्निश कर लें। अगर आपके पास धनिया के पत्ते नहीं अवेलेबल हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये लीजिए, मशरूम मटर मसाला सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, नान, कुलचे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मशरूम मटर मसाला की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और भी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर।